बेबी आके बर्तन धो दो। बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक बार में सुनता नहीं क्या आपको? आया बेबी। बारूद पसंद है, दोनों मिलकर धमाके करेंगे। मम्मी बुला रही है। मैं तो तुम्हारी बहन नहीं हूँ ना। किसी की तो हो ना। हम चिकन से 12 को रोटी खा जाइले और रुखर से 5 गो। रुखर के मतलब जान तरी? हाँ, नीमक से। आयो रिमा। मैं तेरी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ। अबे चल, तो एक नंबर की नकली गर्लफ्रेंड है, नकली। अच्छा, असली गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? अबे असली गर्लफ्रेंड वो होती है जो अपनी किडनी बेचकर अपने बॉयफ्रेंड को आईफोन एक्स दिलवा दे और बाद में कहे बाबू और कुछ चाहिए तो बता देना, अभी एक किडनी और बाकी है। ए पतिदेव। हाँ बोलो, अब क्या काम है? काम कुछ नहीं है, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। मैं हूँ इसलिए घर चल रहा है, तुम्हें तो एक काम भी ढंग से करने नहीं आता। हर एक सब्जी सड़ी हुई लाए हो, टमाटर सड़ा हुआ, प्याज सड़ा हुआ, ककड़ी सड़ी हुई, हरी मिर्च सड़ी हुई, हर चीज सड़ी हुई लाते हो। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमको भी तो मैं ही लेके आया हूँ ना। नहीं नहीं नहीं। बे यार तुझे पता है कल रेलगाड़ी में पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। सालों ने मेरे को ऊपर वाली सीट दे दी थी, मुझे ऊपर वाली सीट पर नींद नहीं आती। तो नीचे वाली सीट से बदल लेते? बे नीचे वाली सीट से कैसे बदल लेता, नीचे वाली सीट पे कोई था ही नहीं यार। माँ को टीवी नहीं देखने देने पर माँ ने बच्चों को खाना नहीं दिया। बच्चों को खाना नहीं मिलने पर बच्चों ने किया माँ का मर्डर। बेटा खाना क्या बनाओ, मैं बना के लाती हूँ ना, अब भी लाती हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ हम लोगों के बीच में जो रोजाना झगड़ा होता है वो सब मेरी गलती की वजह से होता है, और अब मैं तुम्हें झगड़ने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा है, मैं तुम्हारे दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूँ। शादी से पहले सारे मर्द 4G होते हैं, शादी के बाद बीवी इतना AG OG LOG SLOG करती है ना, तो फिर उसका सारा MB खत्म हो जाता है, फिर बीवी के वाईफाई पे जिंदा रहता है। डॉक्टर साहब, आए आप हमर बीमारी के पता लगा सकते हैं? तो तुरंत आँख में कमजोरी ना हो रे। अरे कैसे जान गए डॉक्टर साहब, कैसे जान गए? अरे बाहर बोर्डवा पढ़ ही नहीं पाया, हम जानवर के ना डॉक्टर हैं। आए। Hi, we made friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन। And I'm आशीष। I'm सपना। तुझे पता है वीमेड अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहा है? 100 करोड़। वीमेड अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़, तो क्या सोच रहे हो? Go and search VMATE. बनिए वीमेड क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च VMATE, वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। हेलो वीमेड, VMATE, द मोस्ट ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियो ऐप।
सुनो, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अपनी 15 लाख वाली गाड़ी ले जाऊँ, यू नो शान बढ़ेगी। ये ले 10 रुपए, जा बस में चली जा, 50 लाख की बस है तेरी और शान बढ़ेगी। बे यार तुझे पता है कल रेलगाड़ी में पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, सालों ने मेरे को ऊपर वाली सीट दे दी थी, मुझे ऊपर वाली सीट पर नींद नहीं आती। तो नीचे वाली सीट से बदल लेते। बे नीचे वाली सीट से कैसे बदल लेता, नीचे वाली सीट पे कोई था ही नहीं यार। सुनो। हाँ जी। ये लो 10 का दूध, 10 की पनीर और 10 की दही, जाओ जल्दी लेकर आओ। ओके जी। बेबी एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? नोट मिक्स हो गई, पता ही नहीं चल रहा कौन से 10 का पनीर है कौन से 10 का दूध है। सुनो जी, भगवान ने माँ और बीबी को क्यों बनाए? अबे भगवान हर एक के घर पे जाकर उसे प्यार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। इसी तरह वो हर एक के घर पर जाकर उसे सजा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बीबी बनाई। जिन लोगों को जनता कर्फ्यू में घर में रुकने पर परेशानी हो रही है, तो उनको मैं बता दूं, वो अभी 2 चम्मच जमाल घोटा ले ले, इससे आप घर में ही रुके रहेंगे और आपके हाथ भी बराबर धुलते रहेंगे। आपकी सुचिंतक मैं। हेलो। हाँ माँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, और दामाद जी कैसे हैं? ये भी ठीक है। अच्छा, दियो बेटा दामाद जी को। हाँ एक सेकेंड। हाँ माँ, दे दिया कान के नीचे। कान के नीचे? अबे पागल है क्या, मैं फोन देने को कह रही थी। हेलो, खाना खा लिया क्या? हेलो, खाना खा लिया क्या? बताओ ना यार, बताओ ना यार। अच्छा जी मेरी नकल। अच्छा जी मेरी नकल। चलो आज शाम को तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं, खाना पीना तो कब का खा। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? मैं आलू और बैगन का ना बहुत अच्छा भरता बनाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी एक बात बताओ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस चीज का भरता बनाओगे? तेरा। ये तुम मेरे लिए 12 अंडरवियर एक ही कलर का क्यों लेके आई हो? सब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कभी बदलता नहीं है? वही तो देखना चाहती हूँ, कौन है वो सब लोग। सुनो जी, आपको पता है मेरी सहेली ना एकदम दूध की तरह गोरी है। तो एक काम करियो साड़ी, अगली बार चाय में दूध की जगह उसको ही घुसेड़ दियो, उसको ही डाल दियो, दूध की तरह गोरी है। जा रहे हो, पैसे तो देते जाओ। देखो तुम कितना भी कह लो, इस महीने तुम्हें और एक भी पैसा नहीं दूंगा। बस आप मुझे 500 रुपए उधार दे दो, आपकी तनख्वाह मिलने पर आपको वापस कर दूंगी। अबे यार एक बात बता, तेरी पहली बीबी कैसे मरी? अबे यार उसने ना जहर खा लिया था। अच्छा, और दूसरी? उसने भी जहर खा लिया था। और तीसरी? वो साड़ी जहर नहीं खा रही थी, इसलिए उसको गोली खिलानी पड़ी। अबे और साड़ी एक बात बता, तेरा भाई यहाँ पर क्यों आया था अभी? मेरा भाई ना रोज यहाँ तपस्या करने आता है। तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साड़ी, उसको बोल दियो जो रोज रोज यहाँ तपस्या करके जाता है ना, अगली बार दिखा तो साड़ी को चप्पल ही चप्पल मारूंगा। साड़ा रोज तपस्या करके जाता है, अभी 2 बाल्टी पानी मारा जब जाके उसकी तपस्या नाली में गई है। सुनो जी, आपको पता है शादी से पहले ना मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि तुम्हारी शादी ना एक हैंडसम लड़के से होगी, लेकिन उनकी बात गलत साबित हो गई। यार शादी से पहले लेकिन एक पंडित जी ने मुझे जो बात बताई थी ना, उनकी बात बिल्कुल सही निकली यार। अच्छा वो क्या? उन्होंने कहा था तुम्हारी शादी एक चुड़ैल से होगी, सच में ही हो गई साली। Hmm?